दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो यूनिट है तरंग प्रकाशिकी, इस वाले यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न, वो लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे सुपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी मात्र सिर्फ 200 रुपये दे करके ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, प्लस उनके सॉल्यूशंस, इन दोनों को मिलाकर के हमने एक बुक तैयार की है। वो बुक मिल जाएगी आपको मात्र 200 रुपये में, प्लस हर सब्जेक्ट के नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। जिनको आप अदर चैनल से खरीदोगे तो कम से कम 1500 रुपये आपके लगते हैं, यहाँ पर हम आपको सिर्फ 200 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं सब कुछ। तो आप पेमेंट करने का तरीका पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, गूगल पे कैसे भी कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आप हमको, हम आपको उस सुपर ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे जहाँ आपको ये मटेरियल मिलता रहता है। तो फ्रेंड, तरंग प्रकाश की पहला क्वेश्चन आता है, यानी सूर्य के प्रकाश के लिए पृथ्वी पर तरंगाग्र की आकृति कैसी होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके प्रकाश की पृथ्वी पर जो तरंगाग्र बनता है उसकी आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी आकृति होती है गोलीय आकृति होती है, यानी गोलीय तरंगाग्र बनता है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर टू है, किसी समतल पारदर्शी तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करो। यहाँ पर जो प्रकाश रिफ्लेक्टेड होगा उसकी आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगा करके आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एन इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। यहाँ पर सी क्या है, ये प्रकाश की चाल है। तो इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू रख करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करना जिससे मैं आपको पता कर सकूँ आपने सही किया या गलत किया है। देखिए फ्रेंड, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री, सूर्य के प्रकाश में पानी की सतह पर परतों के रंगीन होने का कारण समझाओ। यानी जब पानी की सतह पर जो परतें होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में हमें रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड, ये व्यतिकरण के कारण हमें रंगीन दिखाई देती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है व्यतिकरण के कारण। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपको ख़त्म करने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर, किन घटनाओं के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। यहाँ पे आपको वो घटनाएं लिखनी है जिनके द्वारा हमें पता चलता है प्रकाश है वो तरंग की भांति कार्य करता है, तो उन घटनाओं का नाम लिखना है आपको सिर्फ। तो फ्रेंड, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमारे सुपर ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। वहाँ पर हम आपको हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, PDF फाइल, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और बहुत कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। मात्र आपको 200 रुपये पे करके ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ध्रुव कोण से आप क्या समझते हो। इसके बाद आता है ब्रूस्टर का नियम। तो फ्रेंड, ये जो दो क्वेश्चन है, ध्रुव कोण और ब्रूस्टर का नियम, दोनों के दोनों बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही करने हैं। इसके बाद आता है, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए। तो व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्त है वो तो आपको याद करना ही है, और विवर्तन के लिए भी एक कंडीशन है उसको भी याद कर लेना। तो फ्रेंड, हमारे सुपर ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।